हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चित्रांशी और आज हम समझेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो जो है वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो मीनिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड इट्स टाइम और वेज टू सेलेक्ट पोर्टफोलियो है वो हमारे पार्ट वन में है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पार्ट वन करके मेरी एक वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उसे भी देख लीजिए। और आज हम यहाँ पे कवर करेंगे इसके दो टॉपिक्स, पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न एंड पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन। तो पहले अभी हम यहाँ पे पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न समझ लेते हैं। तो पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होता है? देखिए, जब हम पोर्टफोलियो रिटर्न देखते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इट इज एवरेज, वेटेड एवरेज रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन असेट्स कंप्राइजिंग द पोर्टफोलियो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोर्टफोलियो है इसमें कई तरह के अलग अलग असेट्स हैं, फिनेंशियल असेट्स हैं, उनका जो रेट ऑफ रिटर्न निकल रहा है। ठीक है, उनका जो रेट ऑफ रिटर्न है, अब हर असेट का जो रेट होगा, मतलब रेट ऑफ रिटर्न होगा, वो तो अलग अलग होगा। और ये डिपेंड करता है कि जो हम पोर्टफोलियो ले रहे हैं उसका जो वेटेज है वो कितना है हमारे पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अ पोर्टफोलियो निकालते हैं। इसका फॉर्मूला देखते हैं हम, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। जी, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n डब्ल्यू आई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ असेट। यहाँ पे आई क्या है? देखिए, आई 1 to n दिया हुआ है। यहाँ पे वो सारे असेट्स हैं जो कि हमने अपने पोर्टफोलियो में लिए हुए हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं समझने के लिए। मान लीजिए हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो 10 लाख रुपीस है। ठीक, अब इस 10 लाख को हमने मान लीजिए दो सिक्योरिटीज़ ले रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। हमने दो सिक्योरिटीज सेलेक्ट की, ए और बी। ए में हमने अपना इस 10 लाख रुपए का 4,50,000 रुपये लगाया और बी में हमने 5,50,000 लगाया। ठीक है, इसमें हमने 4,50,000 लगाया और इसमें 5,50,000 लगाया। तो जो इसका वेटेज होगा वो कितना होगा? 45% और इसका जो वेटेज होगा वो कितना होगा? 55%। यानी कि यहाँ पे जो हम W की बात कर रहे हैं वो क्या है? वो है हमारे पोर्टफोलियो में जो भी हमने सिक्योरिटीज सेलेक्ट की हैं उसका वेटेज क्या है। जैसे यहाँ पे कितना हो गया? 0.45 और इसका क्या हो गया? 0.55। यानी जो भी हम W का सम लेंगे, मान लीजिए हमने दो सिक्योरिटीज ली, तीन सिक्योरिटी ली, जितनी भी लेंगे उसका जो सम होगा वो 1 होगा। ठीक, अगर परसेंटेज में बात करें तो उसका कितना परसेंट होगा? 100%। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ जो ये दिया हुआ है असेट, ये हर असेट का, हर फाइनेंशियल असेट का अलग अलग है। जैसे ए का हो सकता है यहाँ पे दिया हो 16% रेट ऑफ रिटर्न, बी का दिया हो 20% रेट ऑफ रिटर्न। तो जब हम इन दोनों को इस फॉर्मूले में रखेंगे, यानी कि इस 45% को 0.45 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 0.55 को 20% से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो। ठीक, चलिए जल्दी से हम एक एग्जांपल इसका न्यूमेरिकल समझ लेते हैं, इसको फॉर्मूले में कैसे रखेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि इन्होंने तीन सिक्योरिटीज़ इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ली हुई है ए बी सी, जिसमें इन्होंने अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया है जो वो कितना है? 45,000, 30,000 एंड 25,000। ठीक, मतलब इनका जो
मतलब जो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितने का है, 1 लाख रुपीस का। ठीक, अब हमें क्या निकालना है। इन्होंने हमें ये तो दिया हुआ है कि हर सिक्योरिटी का, यानी सिक्योरिटी ए का जो इन्हें एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा वो 16%, बी का 14% और सी का 10% मिलेगा। पहले हम क्या निकाल लेंगे कि इसका वेटेज क्या है। तो वेटेज इसका क्या हो जाएगा, 1,45,000 का 0.45, ऐसे ही 30,000 का कितना हो जाएगा, 0.30, और 25,000 का 0.25। ठीक है, अब हमने ये निकाल लिया कि वेटेज कितना है। अब हम इसे फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो हमने फार्मूला लिख लिया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो क्या हो गया, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 3। यहाँ पे 3 हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास 3 सिक्योरिटीज़ हैं। डब्ल्यू आई इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज़, जो सब अलग अलग होगा इसलिए हमने यहाँ पे आई लिखा हुआ है। ठीक, अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा देखिए, जब इस फॉर्मूले को हम अलग अलग लिखेंगे समझने के लिए सिंपल फॉर्म में, तो वो कुछ इस तरह का बनेगा, वेटेज ऑफ सिक्योरिटी 1 इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी 1 प्लस वेटेज ऑफ सिक्योरिटी 2 इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी 2 प्लस वेटेज ऑफ सिक्योरिटी 3 इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी 3। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज रखते हैं। जो वेटेज 1 है हमारा वो कितना है, 0.45 इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, हो जाएगा हमारा 0.16। ठीक, प्लस 0.30 इंटू 0.14 प्लस 0.25 इंटू 0.10। अच्छा, ये तो ऐसे कर लीजिए। ठीक, अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, जब हमने सॉल्व किया इसको तो 0.45 इंटू 0.16 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, 0.072। 0.30 इंटू 0.14 को मल्टीप्लाई करने पे आया 0.042। 0.25 इंटू 0.10 को मल्टीप्लाई करने पे आया 0.025। ठीक है, अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे। इसका आंसर आएगा 0.139। ठीक, अब हमें इसे अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना परसेंट आ जाएगा, 13.9%। ठीक है, यानी कि जब हमने ये 3 सिक्योरिटीज़ ले रखी थी जिसमें जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा था वो हमें 16%, 14% और 10% मिल रहा था, जिसका वेटेज कुछ इस तरह का था, तो हमें इस पोर्टफोलियो में कितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, 13.9% का। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं कि हमें अपने पोर्टफोलियो में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है। ठीक है, सो हमने रिस्क ऑफ, सॉरी, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो देख लिया, वो हमें देखना है रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो हम जब रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो जो फर्स्ट है वो है वेरिएंस ऑफ और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच असेट इन अ पोर्टफोलियो। हमें पता है कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क को मेज़र करता है, तो हमें यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल असेट के रिस्क को यहाँ पे देखना है। सेकंड, रिलेटिव इम्पॉर्टेंट और वेट ऑफ ईच असेट। हर असेट का, जैसे अभी हमने रिटर्न में देखा कि उसका कितना वेटेज है उसमें पोर्टफोलियो में एक इंडिविजुअल असेट का, वो हमें यहाँ पे भी देखना है। और थर्ड, हमें इसका कोरिलेशन देखना है। चलिए हम फार्मूला देखते हैं कि रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो का फार्मूला क्या होता है।
इसका जो फॉर्मूला होता है रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो, वो होता है सिग्मा वन का स्क्वायर इंटू डब्ल्यू वन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर इंटू डब्ल्यू टू का स्क्वायर प्लस टू डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू इंटू रो वन टू सिग्मा वन सिग्मा टू। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिग्मा वन का स्क्वायर है वो एक पर्टिकुलर आपका जो फाइनेंशियल असेट है एक पोर्टफोलियो में उसके रिस्क को डिनोट कर रहा है असेट वन को, नंबर वन मतलब जितने भी आपने असेट लिए हो उसको आप वन टू करके डिवाइड कर सकते हो ऐसे। ठीक है, और जो डब्ल्यू है वो उसके वेटेज को। अब रो क्या है, रो उसका जो है वो कोरिलेशन है, यहाँ पे रो कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जो हम मान लीजिए हमारे पास दो सिक्योरिटीज हैं ए और बी। ठीक है, उसका जो रिस्क ऑफ असेट है या सिक्योरिटी है वो ए का जो है वो 10% है और बी का 25% है। वेटेज कितना है, ए का 40% है और बी का 60%। यहाँ पे जो कोरिलेशन है रो है वो कितना है, -0.25। अब इस माइनस का क्या मतलब है, ये नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक, हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो जो हम निकालते हैं वो हम निकालते हैं सिग्मा स्क्वायर। ठीक, सिग्मा स्क्वायर निकालते हैं तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक, हमने फॉर्मूला लिख लिया, अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। सिग्मा वन का स्क्वायर, सिग्मा वन क्या है, यहाँ पे जो हमारी ए सिक्योरिटी है उसका रिस्क, तो ये हो गया 0.1 का स्क्वायर इंटू वेटेज कितना है इसका 40%, यानी कि 0.4 का स्क्वायर प्लस सिग्मा टू कितना है 25%, यानी कि 0.25 का स्क्वायर इंटू वेटेज टू कितना है 60%, यानी कि 0.6 का स्क्वायर प्लस टू इंटू 0.4 इंटू 0.6 इंटू -0.25 इंटू 0.1 इंटू 0.25। जब आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, चलिए स्क्वायर भी कर लेते हैं, 0.01 प्लस 0.16 प्लस 0.25 का स्क्वायर कितना होगा 0.0625 इंटू 0.6 का स्क्वायर 0.36 प्लस, जब हम इस पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 इंटू -0.25 इंटू 0.1 इंटू 0.25, तो इसका आंसर आएगा -0.003। ठीक, अब हम जब इस पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा इसका, तो ये आ जाएगा 0.0016, इस पार्ट को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0.0225 और ये प्लस माइनस माइनस 0.003। ठीक, अब जब हम इसे प्लस करेंगे फिर ये माइनस करेंगे तो आंसर आएगा, चलिए पहले इसको प्लस कर लेते हैं, इसको प्लस करने पे जो आंसर आया वो आया हमारा 0.0241 और फिर माइनस 0.003, तो क्या आंसर आ जाएगा 0.0211। ठीक, अभी हमने यहाँ पे क्या निकाला हुआ है, सिग्मा स्क्वायर, हमें क्या चाहिए, सिग्मा पी चाहिए।
ठीक है, हमें यहाँ सिग्मा चाहिए, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ये तो सिग्मा स्क्वायर है तो इसलिए हमें इसका रूट निकालना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, ये कितना आएगा 0.1453। ठीक, जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 0.1453। अब हमें इसे परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 14.53%। ठीक है, यानी जो सिक्योरिटी हमने ये ए और बी ली थी अपने पोर्टफोलियो में, जिसका रिस्क था 10% और 25%, वेटेज था 40% 60%, और उसका कोरिलेशन नेगेटिव था 0.25, ठीक है, -0.25, उसका जो हमारे पास, तो जो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो आएगा वो आएगा 14.53%। ठीक, सो हमने रिस्क पोर्टफोलियो का रिस्क रिटर्न देख लिया। अब हम अपना आज का लास्ट टॉपिक देखेंगे, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। जब हम अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तब हमें मेजरली तीन कॉन्सेप्ट पता चलते हैं, तीन मेजर्स पता चलते हैं जो तीन लोगों ने दिए थे। जो फर्स्ट थे शार्प्स, सेकेंड थे ट्रेनर, एंड थर्ड थे जेंसन्स। ठीक, ये तीन लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला दिया था कि कैसे हम पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। जब हमने सिलेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो देखा था तो उसमें हमने दो मेथड देखे थे, एक तो मार्कोविट्स और दूसरा शार्प सिंगल इंडेक्स। तो वहाँ पे शार्प ने क्या बोला था कि उन्होंने वहाँ पे बीटा लिया था, है ना, बीटा जो मार्केट रिस्क को दिखाता था। लेकिन जब हम पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं तो जो शार्प्स हैं इन्होंने किस चीज़ की बात की है, इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की है, और बीटा की बात की है ट्रेनर ने। ठीक, और जो जेंसन है इन्होंने CAPM को बेस लेके इन्होंने पोर्टफोलियो के इवैल्यूएशन को बताया है। तो हम इनका फॉर्मूला देखते हैं। सो जो शार्प्स ने फॉर्मूला दिया है वो क्या दिया हुआ है शार्प इंडेक्स का, कि रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न अपॉन सिग्मा पी। सिग्मा पी क्या है, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, ट्रेनर मेजर्स के अकॉर्डिंग इन्होंने बीटा को बेस लिया हुआ है, इन्होंने बीटा की बात की है। बीटा सिस्टमैटिक रिस्क को दिखाता है, वो रिस्क जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, प्रेडिक्टेबल नहीं होता, उस रिस्क की बात करता है बीटा। तो उसी रिस्क को ट्रेनर ने कंसीडर किया है। तो इन्होंने फॉर्मूला दिया था रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न अपॉन बीटा पी, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, अब जो जेंसन थे, जेंसन मेजर के अकॉर्डिंग इन्होंने तो बेस लिया हुआ था CAPM का। ठीक है, तो जो इनका फॉर्मूला था वो CAPM के बेसिस पे था, इसको हम नीचे लिख लेते हैं। तो ये CAPM के बेसिस पे था, इन्होंने निकाला हुआ है रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। ठीक, इन्होंने ये फॉर्मूला दिया हुआ है। CAPM में ये पार्ट क्या डिनोट करता है, रिस्क प्रीमियम। ठीक, और जब हम इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाता है, बीटा क्या करता है, वो मार्केट की फ्लक्चुएशंस को दिखाता है, तो ये हो जाता है मार्केट रिस्क प्रीमियम। ठीक, तो जब हम मार्केट रिस्क प्रीमियम में रिस्क रिटर्न जोड़ देते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो का जो परफॉर्मेंस को एनालाइज करने का तरीका जो बताया वो जेंसन ने बताया।
सो ये तीन तरीके थे पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के, शार्प्स मेजर, ट्रेनर मेजर्स एंड जेंसन मेजर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसका पार्ट वन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ उसे भी देखिए। उसका आपको जब आप बेसिक समझोगे पोर्टफोलियो का, तभी और अच्छे से समझ में आएगा आपको। सो प्लीज़ उसे भी देखिए, उसे भी लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।